नमस्कार, फेस के तड़के में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा था मंडरे वाले आलू की सब्जी, उसके साथ खाने के लिए आज हम बनाएंगे गरम गरम पूरियां। पूरियां बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, 1/4 कप मैदा। यहाँ पर मुलायम पूरियां बना रहे हैं क्योंकि छोटे कंजक या बच्चे मुलायम पूरियां पसंद करते हैं। अगर आप खस्ता पूरियां बनाना चाहते हैं तो आप मैदा की जगह सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड या देसी घी। तो आइए पूरियां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में 1 कप आटा डालेंगे, उसके बाद उसमें 1/4 कप मैदा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून देसी घी या रिफाइंड डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसमें छोटे छोटे मुक्के मारकर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। आटे को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। इसे हम रोटी की आटे की तुलना में थोड़ा हार्ड रखेंगे। आटा गूंद जाने के बाद हम 5-6 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आटे को थोड़ा थोड़ा तोड़कर उसे हाथों से बेल लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। कोशिश करें कि सारी लोइयां एक ही साइज की हों ताकि सारी पूरियां भी एक ही आकार की बने। सारी लोइयां बन जाने के बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम करके रिफाइंड गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक लोई को चारों तरफ से एक समान बेलकर पूरी तैयार कर लेंगे। पूरी ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। कोशिश करें कि पूरी गोल बने, इससे वे देखने में ज़्यादा सुंदर और स्वादिष्ट लगती हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पूरी डालकर तल लेंगे। पूरी के ऊपर करछी से तेल डालेंगे ताकि पूरी फूल जाए। पूरी को हम दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर होने तक तलते रहेंगे। ऐसे ही हम सारी पूरियां बेलकर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। इस नवरात्रों में मैदा आटे की पूरियां जरूर ट्राई कीजिए। इसके तड़के को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नवरात्रि स्पेशल रेसिपी के लिए आप साइड में आ रही लिंक को क्लिक करके हमारी बाकी की नवरात्रि स्पेशल रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।